हमारे बीच में अनुश्री तिवारी जी मौजूद हैं। इन्होंने कथक से बहुत ही बड़े बड़े मंचों पे इन्होंने जो है श्रोताओं का उत्साहवर्धन और मनोबल बढ़ाया है और बहुत ही अच्छा यह जो है कथक करती हैं। और हम इनसे जो है आइए जानते हैं कि कथक कहाँ किन किन क्षेत्रों में और कहाँ कहाँ इन्होंने बहुत ही बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, किन क्षेत्रों में किया है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं अनुश्री तिवारी, मैं यूपी कानपुर से हूँ। मैं कथक बहुत छोटे से, मैं जब 2.5 साल की थी मैं तब से कथक कर रही हूँ और मैंने ऑल ओवर इंडिया में परफॉर्म किया है। जितने भी गवर्नमेंट शोज, अयोध्या महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, जितने भी गवर्नमेंट महोत्सव होते हैं उनमें निनाद कॉम्पिटिशन्स करे हैं। संगीत नाटक अकेडमी ICCR की तरफ से काफ़ी जगहों पर परफॉर्म किया है और इसी कैटेगरी में, इसी परफॉर्मेंस की कैटेगरी में मुझे देश रत्न अवार्ड मिला है। इसके अलावा मैं 11 डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हूँ और उन सभी में मैंने अलग अलग स्टेजेस में परफॉर्म किया है ऑल ओवर इंडिया में। ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश में जो है विभिन्न क्षेत्रों में कलाओं से निपुण हैं और आप जो है छोटे छोटे बच्चे भी आज बहुत सी कला अपनी दिखाते हैं और भी आप अपने साथ कम आप जिस उम्र में हैं और बहुत से मुकाम इन्होंने इतने बड़े हासिल किए हैं और क्या संदेश आप और लोगों बच्चों को देना चाहेंगे अपने माध्यम से कला के? मैं सभी छोटे बच्चे या यंगस्टर्स या जितने भी लोग हैं मैं सभी को यही बोलूँगी कि रील और रियल बहुत डिफरेंट है। कथक हो चाहे वो म्यूज़िक को जो हम रील में देखते हैं या हम जो सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं उससे लाख गुना ऊपर है कथक। कथक का मतलब है कथा कहावे सो कथक। कथक का अर्थ है कि जब आप किसी कथा को अपने नृत्य के थ्रू बोलते हैं उसे कथक बोलते हैं। तो इस कल्चरल चीज़ों को अपनाएं, इसे सीखें, इसमें प्रोफेशन भी है और इसमें आप स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को, तो ज़रूर आप सीखें इन सब चीज़ों को। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, बहुत ज़रूरी है ये सभी लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए।